हेलो गाइस, मैं हूँ एथर और आज हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग। तो आपको मालूम होगा कि मैं पोदार इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ और 7th क्लास की बुक्स आई हैं, तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं उसका बॉक्स दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है वो बॉक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षण बुक्स एंड स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड, एंड इसके अंदर पूरी किट है। तो मैं आज इसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं कि कैसा रहता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुझे इस किट में क्या चीज़ें और चाहिए पड़ी और इस किट में नहीं आई हैं। सबसे पहली चीज़ है ये नोटबुक्स। ये है टेस्ट नोटबुक्स जो मुझे अलग से लेनी पड़ी क्योंकि इस किट में नहीं आई है। फिर दूसरी चीज़ है ये रुचिरा बुक भाग 2। ये बुक मुझे इस किट में नहीं मिली क्योंकि ये बुक जो है आपको पोदार नहीं देता, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी पढ़ाई जाती है और रुचिरा एक संस्कृत की बुक है। ये रुचिरा की बुक मुझे 69 रुपीज़ की मिली है, ओपन मार्केट से मैंने लिया। और फिर ये टेस्ट कॉपी में भी मैंने ओपन मार्केट से ली है जो मुझे पड़ी है 30 रुपये की, और इसमें 100 पेजेस हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी नोटबुक है और मैंने ऐसी 5 नोटबुक खरीदी हैं। फिर अगर बॉक्स कंटेंट्स की बात करें तो उसमें दो किट्स मिलेंगी, तो वो हैं ये आपके सामने। तो मैं इसका सीन फिर से आपको ऊपर से दिखाता हूँ। आप यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, इस पूरे एक किट के अंदर बुक्स और वर्कबुक्स हैं। फिर नीचे आपको सिंगल लाइन पेजेस और साथ ही साथ नोटबुक्स विद स्क्रैप बुक मिल जाएंगी, और यहाँ पर आपको एक आर्ट पाउच भी मिल जाता है पोदार की तरफ से, जिसमें आप आर्ट का सामान रख सकते हैं, और एक बैग भी मिल जाता है आर्ट के लिए। फिर आपको यहाँ पर पोर्टफोलियो मिल जाएगा जिसमें आपको अपना पूरा डेली मतलब सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखना पड़ता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक आर्ट एंड क्राफ्ट की किट। तो सबको जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ बुक्स एंड वर्कबुक्स की किट को अनबॉक्स। तो मैं इस पन्नी को जल्दी से खोल लेता हूँ। फिर सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिल गई है वर्कबुक का सेट पूरा, इसको भी अपन खोलेंगे। और अगर मैं इसके बाद सामने कुछ निकालूं तो यहाँ पर आपको मिलेंगी पूरी बुक्स। और यहाँ पर मैंने ऑफलाइन स्टोर से लिया है, तो उन्होंने मुझे ये स्लिप भी दी थी जिसमें सारे के सारे कंटेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये आपको जो आपको फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर नेक्स्ट आ जाती है आपकी आर्ट बुक। तो इस बार काफ़ी अलग आर्ट बुक आई है पिछली बार की आर्ट बुक्स के कंपैरिजन से। ये एकदम प्लेन आर्ट बुक्स हैं, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। तो ये है वर्कबुक्स, इनको मैं जल्दी से खोल लेता हूँ। और फिर मुझे यहाँ पर ये स्लिप मिलती है जिसमें सारी की सारी वर्कबुक के नाम मिलते हैं, जिसमें आपको इंग्लिश, कंप्यूटर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस की वर्कबुक्स मिल जाती हैं। ये सारी वर्कबुक्स आपको दिख रही होंगी। ये हिस्ट्री की वर्कबुक हो गई, ये आपकी ज्योग्राफी की वर्कबुक, ये हिंदी की वर्कबुक, ये मैथ्स की वर्कबुक, ये साइंस की वर्कबुक, ये इंग्लिश की वर्कबुक, और ये कंप्यूटर की वर्कबुक। तो ये बहुत सारी वर्कबुक्स हैं। सबसे मोटी इनमें से हिस्ट्री की वर्कबुक है। मुझे लगा था मैथ्स की बहुत मोटी होगी, पर हिस्ट्री की वर्कबुक सबसे मोटी है।
फिर नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी बुक्स, तो इसको भी जल्दी से खोल लेते हैं। तो फिर यहाँ आपको पूरी बुक्स मिल जाती हैं। सबसे पहले इंग्लिश की बुक आती है, तो ये इसका कवर पेज बिल्कुल वैसा ही है जिससे सिक्स स्टैंडर्ड में था। फिर यहाँ पे मैथ्स की सबसे मोटी बुक आती है जिसमें आपको पेजेस मिलते हैं पूरे 299, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलती है हिस्ट्री की बुक, जो बहुत अच्छी लग रही है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद आपको मिलेगी आपकी कंप्यूटर की बुक। देन अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको मिलेगी साइंस की एक्टिविटी बुक, फिर मिलेगी आपको इंग्लिश ग्रामर बुक, फिर साइंस की बुक जो भी बहुत मोटी है, मैथ से भी मोटी बुक है, 308 पेजेस की बुक है। और फिर आपको हिस्ट्री की बुक मिल जाती है। सबके जो सबके कवर पेजेस नहीं बदले, मतलब किसी की भी बुक के कवर पेजेस नहीं बदले हैं। फिर आपको यहाँ मिल जाती है लहर, देन यहाँ पे आपको मिल जाती है नेचुरल डोमेन, मतलब ज्योग्राफी की बुक, फिर हिंदी ग्रामर की बुक और इंग्लिश रीडिंग बुक्स यानी वीव्स, और सबसे लास्ट में और सबसे छोटी बुक मेंटल मैथ्स। और इसमें भी एक वैसी ही स्लिप आई है जिसमें सारी की सारी बुक्स के नाम लिखे हैं और इसमें टोटल 13 बुक्स हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मैंने जैसा कि आपको दिखाया था, ये आर्ट बुक एकदम प्लेन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट किट की तरफ देखें तो इसमें आई हैं कॉपीज, स्क्रैप बुक्स और सिंगल लाइन पेजेस। तो जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर नोटबुक्स, सिंगल लाइन पेजेस और स्क्रैप बुक भी है। जल्दी से इसको खोल लेते हैं। ये सारी अच्छे से पैक होके आती हैं जिससे इसको कोई डैमेज ना हो, क्योंकि ये मुंबई से आती है और हर जगह जाती है। तो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं नोटबुक्स, स्क्रैप बुक और हाँ ग्राफ बुक, और यहाँ पर है 100 पेजेस। आप देख सकते हैं इसमें भी हम लोगों को एकदम वैसा ही एक चिट मिली है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं सिंगल लाइन पेजेस, 100 सिंगल लाइन पेजेस। वैसे इसका इतना काम नहीं रहता 100 पेजेस के जितना। और फिर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाती है ग्राफ बुक जिसमें ग्राफ हैं, फिर है स्क्रैप बुक जिसमें आपको मिल जाते हैं कलर्ड पेजेस विथ सिंगल लाइन पेजेस, फिर आपको मिल जाती है सिंगल लाइन नोटबुक्स जो आपको मिलेंगी पूरी की पूरी।
आपको सिंगल लाइन नोटबुक्स मिल जाती हैं 92 पेजेस की, और 192 पेजेस की, और 108 पेजेस 188 पेजेस की भी सिंगल लाइन नोटबुक्स दो मिल जाती हैं। ये मैथ्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं। बस इस वाले सेट में इतना ही था, इसके बाद देखते हैं आगे। नेक्स्ट आइए आर्ट एंड क्राफ्ट की किट, तो इसको भी देख लेते हैं। ये आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज आती है। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें नेम चिट्स मिल जाती है अपनी बुक्स के लिए। फिर इसमें आपको कलर पेजेस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर एक कप मिल जाता है, साथ में ऐसा एक ढक्कन भी आया है, पता नहीं किस चीज़ के लिए है, देखते हैं आगे पता चलेगा। और ये आपको क्रियॉन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एक पैलेट मिल जाता है जिसमें हम लोग कलर रख सकते हैं। एक सीज़र भी मिलती है, एक ग्लू ड्रॉप्स नाम की कोई चीज़ मिलती है, पता नहीं ये किस काम आती है। फिर हम लोग एक फेविकॉल भी मिलती है, वाह। यहाँ पर एक पेंसिल भी मिली है, ब्रश, एक और ब्रश, एक और ब्रश, देन फिर से एक पेंसिल और एक और पेंसिल, थ्री पेंसिल्स और थ्री ब्रशेस मिलते हैं। फिर यहाँ पर हम लोगों को मिला है एक स्प्लिट पेन नाम की कोई चीज़ है, ये पता नहीं इसका भी कुछ ड्राइंग के लिए काम आता होगा। और ये भी तो एक ब्रश है, इसको कैसे भूल गए। फिर यहाँ पर आपको एक शार्पनर भी मिलता है, पोस्टर कलर्स मिल जाते हैं यहाँ पर आपको। और यहाँ पर आपको मिलता है एक मार्कर, शायद ये कैलीग्राफी पेन है। और इस किट में बस इतना ही था, आगे देखते हैं क्या है। फिर नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे पोर्टफोलियो मिलता है। तो इस पोर्टफोलियो का जैसे मैंने बताया था, इसमें हम लोग सब्जेक्ट्स के बारे में लिखते हैं। जल्दी से इसकी पन्नी हटा लेते हैं। ये पोर्टफोलियो ज़्यादातर स्कूल में ही सबमिट रहता है, तो टीचर्स इसमें फीडबैक लिखती हैं, हम लोगों को अपना फीडबैक लिखना पड़ता है, अपने दोस्तों से फीडबैक लिखवाना पड़ता है, और ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर इसमें एक शीट रहती है जिसमें हम लोग अपना कवर पेज बना सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग को पूरी स्टूडेंट्स की पूरे के पूरे पेजेस मिल जाते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या। अब हम लोगों को इसके आगे दो चीज़ें मिली हैं, एक बैग और एक पाउच। ये मुझे लगता है आर्ट के लिए है, देख लेते हैं जल्दी से क्या है। इसमें MRP लिखी है 125 का ये पाउच है, और ये बैग आपको मिलता है 275 का। जल्दी से इसको खोल के देखते हैं ये क्या है। यहाँ पर आपको पोदार का लोगो मिल जाएगा, और ये एक टैग है। फिर यहाँ पर ऐसे टाइप से आप इसको खोलेंगे, और इसमें बहुत जगह है एक्चुअली। इसमें हम लोग ब्रश रख सकते हैं, ये यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक पेन पाउच जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आर्ट के लिए यूज़ करें। तो ये एक बहुत अच्छा पाउच लगा मुझे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक बैग आ जाता है। वैसे इसमें इतनी सारी बुक्स आएंगी तो नहीं, ये उसके लिए है भी नहीं, पता नहीं ये क्या है। इसमें हम लोग, ये आर्ट बैग है, इसमें भी पौधा का लोगो मिल जाएगा आपको। और अगर इसको हम लोग खोल कर देखें तो ये कुछ ऐसे लॉक सिस्टम से खुलता है। ओके, अंदर हम लोग अपनी बुक्स रख सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा बैग है जिसमें हम लोग पूरी किट रख सकते हैं अपनी। तो पोदार क्लास 7th की किट में बस इतना ही था। और
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरे अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं एक आपको टिप देना चाहता हूँ जो है कि आप अपनी बुक्स को पूरा हर एक पेज को देखें, जिससे अगर उसमें कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो आप उसको रिटर्न कर सकें। तो यही थी वो टिप, और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।